सब्सक्राइब करें शेखावत टेक्निकल को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारा जो वीडियो नए आपने बनाते सोचा हैं। है अभी हमारा जो जियो का 30 जुलाई के बाद हमारा अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो हमें क्या करना है, और क्या करना है? ऑब्वियसली बात तो वही है ना, हमें क्या करना चाहिए जियो तो, और किसी का 20 जुलाई के बाद बंद हो जाएगा। दोस्तों यही इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर हमारा 30 जुलाई को अगर बंद होने वाला है, या फिर 20 जुलाई को बंद होने वाला है, या फिर इसके बाद हम क्या करें। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग न्यूज आपके लिए है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आगे पूरा वीडियो देखिए, आप स्किप ना करें वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह शेखावत, आप देख रहे हैं शेखावत टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज की। सबसे पहले आपको इंटरेस्टिंग न्यूज ही दे देते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंटरेस्टिंग न्यूज ये है, 21 तारीख को जियो, 21 जुलाई को, यही मैंने है, 21 जुलाई को जियो कुछ एक फोन लॉन्च करने वाला है जिसकी प्राइस करीब 600, जो लीक्स आ रहे हैं उसमें पता चला कि 600 रुपये, 599 रुपये रखी जाएगी, जो कि फीचर फोन होगा एक, और इसको कीपैड फोन है, फीचर मतलब समझिएगा, फीचर फोन होगा और उसमें वोल्टेज सपोर्ट भी मिलेगा आपको। दोस्तों 600 रुपये की प्राइस में अगर लॉन्च कर देता है जियो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जिनके पास जो जियो की सिम लेने के लिए पैसा नहीं था, या फिर किसी का 4G फोन नहीं था तो जियो की सिम लेके क्या करेगा वो, तो उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो मोबाइल लेंगे उनको 4 महीने के लिए फ्री इंटरनेट, लीक्स के लिए बता रहा हूँ। अब 21 तारीख को जो अनाउंसमेंट होगी उसके अंदर सब पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। मैं लीक्स के ऊपर बता रहा हूँ, लीक्स आए हैं, ये तो पक्की बात है कि फ़ोन लॉन्च होगा, किस प्राइस पे लॉन्च होगा ये पता नहीं है अभी, लेकिन लॉन्च होगा 21 तारीख को, तो देखते हैं। और वो आपको अगस्त में मिलना शुरू होगा, 21 तारीख को अनाउंसमेंट या फिर कॉन्फ्रेंस जो भी हम बोलते हैं वो है, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा क्या जो होने वाला है वो हमें पता चल जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 20 तारीख को या फिर हमारा 30 तारीख को किसी का 20 खत्म हो जाएगा, 20 जुलाई को किसी का 30 जुलाई को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करें। दोस्तों आपको सिंपली पहले क्या करना है, माय जियो ऐप में जाना है और स्क्रॉल करना है साइड के अंदर, और फिर वहाँ पे लिखा होगा माय प्लान, वहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको जो एक्सपायर है वो कब होने वाला है। उस हिसाब से आप अपने ध्यान रख सकते हैं कब एक्सपायर होने वाला है या कब नहीं होने वाला, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आपने अपना जो जियो का नंबर है वो अगर वेरीफाई, तो खैर आधार कार्ड से हो ही गया होगा, मैं एयरटेल की बात कर रहा था दोस्तों। अगर आपने एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जो भी आपके पास, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं यहीं से, वो वापस उसी टॉपिक पे आएंगे। अगर दोस्तों आपको आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है आपका सिम कार्ड, जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी आता है, सॉरी जियो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह ऐसे जो सिम्स हैं वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो जल्दी से लिंक करवा लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। अब दोस्तों उसी टॉपिक पर वापस आते हैं, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपकी डेट एक्सपायर कब होगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अभी एक्सपायर हो जाएगी, दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 21 तारीख को अनाउंसमेंट होने वाली है, उसमें सब पता चल जाएगा। वैसे आप 309 या फिर 399 का रिचार्ज करवा के वैसे ही 3 महीने का प्लान ले सकते हैं, ये 2018 तक ऑलरेडी फ्री हो चुका है, लेकिन 21 तारीख को सब पता चलने वाला है क्या क्या कुछ क्या होने वाला है, क्या हो गया है, मतलब क्या हो गया है, क्या हो गया है या फिर क्या आगे होने वाला है, क्या कौन से फ़ोन लॉन्च होंगे, उन फोन से लॉन्च में कितना जीबी इंटरनेट मिलेगा हमें डेली का, या फिर कितने महीने के लिए मिलेगा, वो सब पता चल जाएगा 21 जुलाई को। यही न्यूज़ मेरे को देनी थी आपको, तो मैंने दे दी, आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, और भी कई यूट्यूबर्स ने दे दी होगी, लेकिन मैंने भी सोचा मैं भी आपको दे दूँ। दोस्तों समझ ही गए होंगे कि आपको 21 तारीख को वेट करना है, तब तक तो आपका इंटरनेट खैर चल ही रहा है और एक फीचर फ़ोन भी लॉन्च होने वाला है। अब इस फीचर फ़ोन में ऐसा क्या होगा, कितने प्राइस में रखेगा, इन्होंने करीब करीब 2 मिलियन फ़ोन का ऑर्डर दिया है। अब इनका सोचना तो यह है कि 2 मिलियन फ़ोन हमारे बिक जाएंगे, मतलब इनका करीब करीब हम बोले तो 2 बिलियन से ज़्यादा, सॉरी यार 2 बिलियन से तो कहीं ज़्यादा ऑर्डर दिया है, मेरे को अंदाजा नहीं है तक, लेकिन इनको लगता है कि मोबाइल बिक जाएंगे हमारे, तो इसके हिसाब से इन्होंने शायद हमारे हम अंदाज लगाएं तब तक ये प्राइस कम रखेंगे, इनके ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे तो उनको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि जियो का अगला अब क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जियो के ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और साइड में छोटा सा बेल आइकन आ रहा है उसको जरूर से प्रेस कर दें। बस यही है, जय हिंद, वंदे मातरम।